सब लोगों ने भाषण सुना है, भाषण बहुत अच्छा था। आनंद जी का भी भाषण बहुत अच्छा था, मतलब हमारे विरोध में आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आप हमारे विरोध में बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन बाद में हम सब लोग तुम्हारा पोल खोलते हैं। तो ठीक बात है, मतलब एक दूसरे पर आरोप करने की आवश्यकता भी होती, हमारे बाजू में बोलते भी हमारी सरकार चलाने के लिए मुक्तिता नहीं मिलेगी। तो लोकतंत्र में क्रिटिसाइज होना ही चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि आप लोग लोकतंत्र को मानते हैं, आप लोगों ने बहुत साल तक सत्ता में आप रहे हैं, और अगर हम अभी सत्ता में आए, 5 साल, 5.5-6 साल हो रहे हैं, आप अगर 60 साल रहे हैं तो हमको 25 साल तो रहने दो। ठीक है, मतलब सत्ता अगर आप भी अच्छा काम करोगे तो सत्ता आपको मिल सकती है, लेकिन जब तक हमारा काम अच्छा है। हाँ, प्रधानमंत्री आ गए हैं, हम स्वागत करते हैं। मुझे लगता है कि एक कानून का सपोर्ट आपने करने की आवश्यकता थी, जब जब अच्छा कानून होता है तब आपने सपोर्ट करने की आवश्यकता है, और ऐसा ही विरोध करते रहोगे तो जिंदगी भर आप उधर ही रहोगे। मतलब अच्छा कानून के लिए, और जब 3 70 है, हमारे गुलाम नबी आजाद जी उनके बारे में हमको बहुत बड़ा आदर है, आप वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो उमर अब्दुल्ला है, फारूक अब्दुल्ला जी है, मुफ्ती महबूबा है, इनको नजरकैद में रखा है, क्योंकि तो उल्टा सीधा बोलते हैं वो, अगर वो अगर ठीक नहीं बोलेंगे तो उनको नजरकैद में हमने रखा है, अभी तक हमने उनको अंदर नहीं किया है, मतलब अभी नहीं, और इसीलिए और आपको नहीं नहीं आपको जो जो लोग 370 का सपोर्ट करते हैं और आपके बारे में आपको ऐसा नहीं किया है ना, आपको मतलब आपको तो छोड़ दिया हमने, जो कुछ है आप करो, तो इसलिए मुझे लगता है कि अध्यक्ष महोदय है, ये जो कानून है 370 का कलम जो है, इस कलम से जम्मू कश्मीर का भला होने वाला है, और इसीलिए मैं इससे ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी को मेरा इतना ही निवेदन है कि जब हम अच्छा का कानून बनाएंगे, आपका साथ मिलना चाहिए।